आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 40 लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। आज से 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कल से ही सुरंग में रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, जो फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिशों में लगातार डटी हुई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब भी रेस्क्यू टीमें फंसे लोगों से करीब 30 मीटर दूरी पर स्थित हैं। वैसे सुरंग से मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है, और इन सब के बीच रात की बात यह है कि जो लोग फंसे हैं उन तक खाना पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार पाइप के जरिए की जा रही है। राहत की बात यह, गनीमत की बात यह, और देश प्रार्थना कर रहा था जब से ये फंसे हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार खुशियों के साथ हर्षोल्लास के साथ देशवासी मना रहे थे। लेकिन जो ये 40 परिवार, जो 40 लोग फंसे हुए थे, उनके परिजनों से पूछिए, उनकी हालत बहुत खराब, क्योंकि जल्द से जल्द कामना है कि वो सुरक्षित घर वापस आ जाए। तो उत्तराखंड में जो जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है, ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और आपको हम डिटेल्स दे देते हैं। देखिए, अब भी दूरी 30 मीटर बची है। 30 मीटर बहुत वक्त लगता है, क्योंकि 2 से 3 दिनों तक बताया गया था कि ऑपरेशन पूरा करने में वक्त लगेगा। चुनौती क्या है? मलबा गिरने का खतरा है। मलबा गिर भी रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये चैलेंज ज्यादा है, चुनौती इससे निपट रही है रेस्क्यू टीमें, जो लगातार डटी हुई है। और इसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं मलबे की दूसरी तरफ, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई पाइप के जरिए खाना भी पहुंचाया जा रहा है, ये अपडेट है। तो किस तरह से ये जद्दोजहद चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंची है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे जायजा लेने। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सुरंग के अंदर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी बचाने के लिए है। लंबे चौड़े सुरंग के करीब 200 मीटर अंदर 40 जिंदगियां फंसी हैं। सभी की जान बचाने के लिए रविवार से ये अभियान जारी है। एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की टीमें जुटी हैं। स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। खुद मुख्यमंत्री भी आज उत्तरकाशी पहुंचे हैं। हादसे के दूसरे दिन सीएम मौके पर पहुंचे तो सुरंग के अंदर उस जगह के करीब तक गए जहां मजदूर फंसे हैं। जिस जगह तक सीएम पहुंचे उसके आगे मलबा भरा है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 30 मीटर और मलबा हटाया जाना बाकी है। सीएम धामी सुरंग में करीब आधे घंटे रुके। उन्होंने बताया कि सभी फंसे मजदूर सुरक्षित हैं। यहां पर तेजी से जो बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है, वो तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर चूंकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है, और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है। सुरंग के अंदर जो मजदूर फंसे हैं उन्हें लगातार खाना पानी और ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। वैसे यह सब कुछ इतना आसान नहीं, ड्रिल कर पाइप के सहारे सप्लाई दी जा रही है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं, उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। यही मलबे का ढेर असल संकट है। सुरंग के एंट्री पॉइंट की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मलबे की दूसरी तरफ वो 40 मजदूर फंसे हैं। 40 लोगों से पाइप के सहारे बात हो पा रही है, जिसमें वो बार बार बचाने की गुहार लगा रहे हैं। अभी कामयाबी की राह में चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन बचाव दल को यकीन है कि वो सुरंग में फंसे सभी लोगों को जल्द बाहर निकाल लाएंगे। उत्तरकाशी से अंकित शर्मा और ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। तो 40 मजदूरों को बचाने की, उनकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 40 जो मजदूर हैं वो कहां कहां से हैं, किस राज्य से, आपको बताते हैं। झारखंड के 15 मजदूर इसके अंदर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने की मुहिम चल रही है। उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर जो निर्माणाधीन टनल के अंदर फंसे हुए हैं। ओडिशा के 5 मजदूर हैं, मतलब अलग अलग राज्यों के वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी है। बिहार से 4 मजदूर हैं, हर देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पर पहुंचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल से 3 मजदूर कार्यरत हैं, उसमें वो फंसे हुए हैं और उनके परिजनों की भी निगाह लगी हुई है कि जल्द से जल्द उनके जो चिराग हैं, चाहे वो माता पिता हों या भाई बहन हों या बेटे बेटियां, वो इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड से 2 मजदूर की जिंदगी फंसी हुई है। मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सीएम लगातार खुद अपडेट ले रहे हैं। ये आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और ये जो टनल आप देख रहे हैं, टनल के अंदर ही पूरी तरह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस टनल के पार ही 40 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है, और ये पूरा जो है मलबा है, मलबे के पार जो है वो उनकी जिंदगी फंसी हुई है। यानी कि सबकी हालत
सांसों में अटकी हुई है। जिस वक्त मुख्यमंत्री धामी सुरंग के अंदर पहुंचे वहां आज तक समा था। अंकित शर्मा भी मौजूद थे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिल्किया टनल में जो राहत कार्य चल रहा है उसका जायजा लेकर अब बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बचाव के लिए और बचाव और राहत के लिए सभी लोग अपने पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। हर संभव सभी का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए, और रात में जो संपर्क स्थापित भी हो गया है और लगातार उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी अंदर जो भोजन सामग्री उनको भेजी जा सकती थी वो भेजी गई है, और ठीक है सभी लोग। और हमारा यही है कि भाई जल्दी से जल्दी सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मैनुअल भी करना पड़ रहा है कहीं पर, चूँकि मलबा लगातार गिर रहा है तो इसलिए थोड़ा सा स्थितियाँ वहाँ पर इतनी बहुत सामान्य नहीं है, और इस कठिन परिस्थिति में भी अच्छी बात यह है कि सबसे संपर्क स्थापित हो रहा है, उनको खाद्य सामग्री पहुंच रही है, और जल्दी से जल्दी बाहर निकालें उनको सुरक्षित। सारी बातें करेंगे लेकिन सबसे पहले हमारा काम है कि सबको बाहर निकालें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और स्थिति जो है सामान्य नहीं है, काफी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द जो यात्रियों जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो सबके चिराग घर में सुरक्षित वापस लौटे और सबके घरों में चिराग रोशन रहे।